बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कारतूस का एक प्रश्न बचा है, कुछ ग वाले प्रश्न आशय के और कुछ भाषा के प्रश्न बचे हुए हैं, तो मैं उसको करवाने चल रही हूँ। तो आज प्रश्न जो शुरू कर रही हूँ वो लिखित ख का चौथा प्रश्न है। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट करें। क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि ये प्रश्न हमेशा अधिक अंकों में पूछा जाएगा, और क्योंकि ये कहानी का निचोड़ है, एक तरीके से कहना चाहिए कि एक तरीके से ये कहानी का निचोड़ है, सारांश है, तो आपको उसमें उसकी साहसी का कारनामा, बहादुरी, चतुराई सब दिखानी है। तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो अधिक अंकों में आते हैं, तो आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए ताकि इसमें कहानी के सारांश के तरह लिख करके भी पूरे अंक प्राप्त किए जा सके। तो मैं इस प्रश्न को शुरू करती हूँ उत्तर नंबर 4 लिखकर कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो आप भी अपनी कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। तो मैं शुरू कर रही हूँ लिखने के लिए। तो उत्तर प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखिए, मैं उत्तर शुरू करती हूँ। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, स्पष्ट करें। उत्तर नंबर 4, प्रश्न अपनी पुस्तक से उतार लीजिए। वजीर अली निसंदेह बहादुर साहसी और चतुर बहादुर साहसी और चतुर सिपाही था, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों का मुकाबला कर रहा था। जब से अवध की सत्ता से वह बेदखल अवध की जब से अवध की सत्ता से वह बेदखल हुआ तब से उसके मन में अपना अपना लक्ष्य यानी अवध का शासन अपना लक्ष्य अवध का शासन पाने और
खाने खाने और अंग्रेजों को भारत से भगाने की भावना प्रबल हो गई थी। अंग्रेजों ने उसके चाचा सआदत अली सआदत अली को शासक बना कर उसे काशी भेज दिया। और जब उसे काशी से कोलकाता बुलाया गया तो उसने कंपनी के वकील से शिकायत की। कंपनी के वकील द्वारा बात की अनसुनी करने पर उसकी हत्या कर दी और गोरखपुर के जंगलों में आकर छिपकर रहने लगा। यहां उसे
पकड़ने के लिए जब कर्नल ने खेमा लगाया तो वजीर अली ने साहस और जाबाजी दिखाते हुए कर्नल से 10 कारतूस ही नहीं बल्कि अपना नाम इससे नीचे लिख दूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप इतना मैं किनारे हट रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। वजीर अली जवाब से काही था, तब तो उसने अपने दुश्मन के खेमे में घुसकर कारतूस लेने की हिम्मत रखता था, तो बल्कि वो 10 कारतूस ही नहीं लिया, बल्कि उसने निकलते निकलते अपना नाम बताते हुए अपना नाम बताते हुए उसकी जान बख्शने की बात अब उसकी जान बख्शने की बात कहकर जान बख्शने की बात कहकर वहां से वापस चला आता है वहां से वापस चल देता है। वजीर अली के ये कारनामे उसकी वजीर अली के ये कारनामे उसकी जाबाजी और चतुराई
वजीर अली के ये कारनामे और कारनामे, उसकी दाबाजी और चतुराई का सही उदाहरण है कि वास्तव में वह एक जांबाज सिपाही था। चलिए ये प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे का तो मैं पहले ही रब कर चुकी हूँ, इतना और बचा है उस प्रश्न का, फिर मैं आपसे आशय वाले प्रश्न आप खुद कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पाठ पढ़ाया है तो उम्मीद है कि आप वो प्रश्न खुद कर लेंगे। तो जो दो आशय वाले प्रश्न हैं वो बहुत आसान है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, यानी यही जो उत्तर है कि मुट्ठी भर लोगों को गोरखपुर के जंगलों में लेके छिप गया, और जब हफ्तों से डेरा डाले अंग्रेज गोरखपुर के जंगलों में और जंगलों की जिंदगी से ऊब चुके होते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं, और वही वो सिपाही कर्नल के खेमे में घुस करके वो 10 कारतूस मांग लाता है, और अपनी शिकायत लेके जब वो कंपनी के वकील के पास जाता है तो वकील ने अनसुनी कर दी और दोनों में कहा सुनी हो जाती है, जिसके चलते उसने खंजर निकालकर उसे भोंक दिया, उसके घर में ही उसे मारकर वहां से भाग निकला। आजमगढ़ के बादशाह के पास जाकर उसने मदद मांगी और अपने चंद सिपाहियों को लेकर वो वहां से गोरखपुर आ गया। गोरखपुर के जंगलों में छिपा रहा, उसी जगह कंपनी ने खेमा डलवा दिया, अंग्रेजों के सिपाहियों का खेमा डलवा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अंग्रेज सिपाही जो थे वहां खेमा डाले परेशान हो गए, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। तो इस तरह से उसने वकील की हत्या करके और कर्नल के खेमे में घुसकर कारतूस लेकर के वास्तव में मुट्ठी भर आदमी को लेकर वो निकला था, लेकिन उसने हिम्मत रखी थी टीपू सुल्तान की तरह, अफगानिस्तान शाहजामा की तरह, और नेपाल निकलकर उसकी ये चाल थी कि वो अपने दमखम को बढ़ाएगा, लेकिन वो मुट्ठी भर आदमियों के साथ भी कम दमखम वाला नहीं था। एक जाबाज सिपाही, चतुर बुद्धिमान था, जो अपना परिचय देके भी उन्हीं के हाथों से 10 कारतूस लेके निकल गया, और ये कहते हुए कि मैं आपकी जान बख्शी कर रहा हूँ। तो मुट्ठी भर आदमियों में भी अगर जो सिपाही है, लीडर है, वो दमखम रखता है तो अपना कहीं ना कहीं रूप दिखा देता है। तो इसको आप, मैंने पढ़ा दिया पाठ, खुद से कर लीजिए, होमवर्क है आपका। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल के खेमे की तरफ वजीर अली घोड़े पर सवार निडरता पूर्वक तूफान की तरह चलता चला आ रहा था। उसके आने से पूरा वातावरण धूल से भर गया था, मानो पूरी सेना आ रही है। और कर्नल के बाहर तैनात सिपाही ने कर्नल को खबर दी कि धूल उड़ती देख करके ऐसा लग रहा है कि पूरी सेना फौज आ रही हो, लेकिन कुछ दूर करीब आने पर उन्होंने देखा कि वहां फौज नहीं है बल्कि एक सिपाही है जो घोड़े पे सवार हुआ चला आ रहा है। तो उसे देखकर उन्हें एक सवार दिखता है, और वो सवार करीब करीब पूरे काफिले के बराबर हिम्मत रखने वाला सवार था, यानी वजीर अली था, तो उसने पूरे काफिले के अंदर जो हिम्मत होनी चाहिए वो दिखाई है। तो ये आशय वाला प्रश्न मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है, तो आप इसका खुद से कर सकते हैं, तो आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं। जब आशय पाठ पढ़ा रहता है तो आशय करना बहुत आसान हो जाता है, और इन आशय पे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इसको परिवर्तित करके। तो मैं भाषा अध्ययन पर आती हूँ और भाषा अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा भी कर देती हूँ। तो निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्याय शब्द लिखें, मैं बता दे रही हूँ, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको कम आते हैं, या तो 9th में आते थे। खिलाफ उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है विरुद्ध, फिर
पाक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता पवित्र, उम्मीद मतलब आशा, हासिल कहते हैं हासिल किया यानी प्राप्त किया, कामयाब सफलता को कहते हैं, वजीफा आपकी छात्रवृत्ति है, नफरत घृणा को कहते हैं, हमला आक्रमण को कहते हैं, इंतजार प्रतीक्षा को कहते हैं, मुमकिन संभव को कहते हैं। तो उर्दू शब्दों का ये हिंदी रूप है। तो ये ऐसे प्रश्न कम आते हैं, लिख पर्याय की जगह आपको ये प्रश्न ऐसे जरूर पूछा जा सकता है कि उर्दू शब्दों का हिंदी रूप लिखें, या कोई शब्द दे करके हिंदी रूप उसके चार पांच ऑप्शन दे करके उसमें से आपको एक चुनना पड़ जाए, तो ऐसे प्रश्नों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो वाक्य प्रयोग करना है तो आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। तो आपको मैंने कहा है कि वाक्य प्रयोग आपका होमवर्क है, अभ्यासकार है, तो इसको आप कर सकते हैं। फिर भी धोखा देने के अर्थ में है कि किसी भी भाव को ऐसे लिखिए, तो हिस्सों का वाक्य प्रयोग होगा कि मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा स्टेशन पर खड़े होकर दो घंटे मैंने अपने मित्र की प्रतीक्षा स्टेशन पर खड़े होकर दो घंटे की, परंतु मेरा मित्र आंखों में धूल झोंक कर वहां से चला गया, तो धोखा देके चला गया। इस तरीके से आपको दो हिस्सों का कोई भी वाक्य प्रयोग करना है। कूट कूट कर भरना यानी पूरी तरह, कि कूट कूट कर भरना का मतलब होता पूरी तरह से जो भरा हुआ हो, अर्थात आप शहीदों के ऊपर लिख सकते हैं कि किसी भी शहीदों के नाम से कि उन हमारे शहीद या हमारे देशभक्त जो थे वे उनके देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। काम तमाम कर देना, काम तमाम कर देना का मतलब होता खत्म कर देना। तो हमारी भारतीय सेना ने सीमा पर दुश्मनों का पल भर में ही काम तमाम कर दिया। जान बख्श देना, तो पाकिस्तान के गुप्तचर हमारे देश में घुसे और पकड़े गए, परंतु हमारे यहाँ के लोगों ने उसको उसके ऊपर दया करके उसकी जान बख्श दी। हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना मतलब चौंक जाने के अर्थ में है, आश्चर्यचकित होने के अर्थ में है। तो आप इसको चौंक जाने के अर्थ में बना सकते हैं कि वजीर अली ने जब खेमे में आकर अपना परिचय दिया और कारतूस मांगे तो कर्नल हक्का बक्का रह गया। आप उनके नाम से कर सकते हैं कि दूसरे के नाम से भी बना सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित करके उनके नाम लिखे। देखिए ये प्रश्न जो है आपके पाठ्यक्रम का नहीं है तो नहीं पूछा जा सकता, यद्यपि मैं इसे बता सकती हूँ। जिंदगी जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, जंगल की जिंदगी संबंध कारक है। फिर कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई तो हिंदुस्तान में अधिकरण कारक है। वजीर अली को पद से हटा दिया गया, वजीर तो ये कर्म कारक है और अपादान पद से हटाना है, पद से हटा दिया गया, पद से अलग कर दिया गया तो अपादान होगा। फिर उसके बाद फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता है,
तो ये आपका संप्रदान होगा, के लिए का अर्थ आ रहा है तो इसमें संप्रदान कारक होगा। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद है सिपाही घोड़े पर सवार था, तो में और पर जो है वो अधिकरण कारक होता है, तो घोड़े पर सवार यानी अधिकरण कारक है। तो मैंने इसमें आपको कारक समझा दिए, क्योंकि ये आपके प्रश्न मैंने बोर्ड पर इसलिए नहीं कराए क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में आता नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास कार्य के लिए है, तो मैं इसको मौखिक रूप से आपको समझा दे रही हूँ। इसके बाद का प्रश्न है कि क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग वचन आदि में परिवर्तन होता है तो उसे अन्विति कहते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, अन्विति के प्रश्न भी नहीं आते हैं। तो घोड़ा पानी पी रहा था, तो इसको आप परिवर्तित करके घोड़े ने पानी पीना जारी रखा, तो इस तरीके से बना सकते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न को भी आप अपने अभ्यास हेतु करना चाहते हो तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह में मैं आपको ये भी मौखिक बता दे रहा हूं, जो आपके पाठ्यक्रम के प्रश्नोत्तर में या प्रश्नों में नहीं आएगा या उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन के लिए या आपको व्याकरण की जानकारी के लिए दिया गया है, उन प्रश्नों को मैं बोर्ड पे नहीं करा के मौखिक समझा दे रही हूँ, ताकि अगर आप करना चाहें तो अपनी कॉपी में कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ऐसे प्रश्न आप अपनी बुक में भी कर लेंगे तो भी आपका ठीक है, चल सकता है। तो विराम चिन्ह लगाने को पूछा गया, तो मैं एक एक वाक्य को पढ़कर क्या विराम चिन्ह लगेगा वो बता देती हूँ। तो पहला वाक्य है, विराम चिन्ह लगाना है, विराम चिन्ह का पहला वाक्य है, कर्नल ने कहा सिपाहियों इस पर नजर रखो ये किस तरफ जा रहा है। अब देखिए, आप कक्षा 9 में विराम चिन्ह पढ़, इस साल के सिलेबस में पाठ्यक्रम में तो विराम चिन्ह था नहीं, तो संभवतः आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसके पहले विराम चिन्ह 9 के पाठ्यक्रम में रखा गया था। तो कर्नल ने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में शुरू हो जाएगा, कि सिपाहियों इस पर नजर रखो पूर्ण विराम, ये किस तरफ जा रहा है, ये क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन मार्क। आपको इसको इसलिए बता दे रही हूं कि आपको वाक्य पहचानने को आए तो आप लिख सकते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना होगा, आप यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, किसी के कहे हुए वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर नजर रखो पर वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम दीजिए, और ये किस तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन है, तो प्रश्नवाचक लगाइए और आप इसके इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, सवार ने पूछा आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है, इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत है। तो सवार ने पूछा कॉमा, क्या पूछा इन्वर्टेड कॉमा में, आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है, पहला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन मार्क, इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत है, दूसरा क्वेश्चन, तो दोनों ही क्वेश्चन मार्क लगेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। तीसरा है, खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, चांदनी छिटकी हुई थी और सिपाही पहरा दे रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा था दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, तो इसमें जो विराम चिन्ह लगेंगे उस पर ध्यान दीजिए। खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, पूर्ण विराम, चांदनी छिटकी हुई थी और सिपाही बाहर पहरा दे रहे थे, पूर्ण विराम, एक व्यक्ति कह रहा था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आखिरी वाली लाइन को दोबारा बता देती हूँ ध्यान से, एक व्यक्ति कह रहा था, तो इसमें आप कॉमा लगाइए,
क्या कह रहा था उसको इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट होगा, दुश्मन कभी भी, तो दुश्मन से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कभी भी हमला कर सकता है पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो यहाँ आकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। इसके बाद आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है? नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। नाटक कम समय में नाटक अधिक समय में होता है, एकांकी कम समय की होती है। नाटक में पात्र संख्या ज्यादा होती है, एकांकी में पात्र संख्या सीमित होती है। कम यानी आपके 6 से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो इतने ही होते हैं। तो ये इस कारण से दोनों में ये काफी अंतर है जो मैंने मौखिक रूप से आपको समझा दिया। तो 5 या उससे थोड़ी यदि 5-6 से अधिक नहीं होती है एकांकी में, और एक अंक में खत्म हो जाता है। तो संक्षेप में मैंने आपको जो मौखिक प्रश्न लायक चीजें थी वो समझा दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।